धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। ये गाना आपने खूब सुना होगा ना। इस गाने में हमें अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस करती हुई नजर आई थी। हिंदी फिल्मों के अलावा कई और भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री माधवी, जिन्होंने 80 के दशक में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अभिनेत्री माधवी ने अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको अभिनेत्री माधवी के आज के हालातों के बारे में बताएंगे, जहां आप जानेंगे वो इन दिनों कहां हैं, क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री माधवी का जन्म 14 सितंबर साल 1962 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में स्टेनले गर्ल्स हाई स्कूल एबिड्स ब्रांच में पढ़ाई की। माधवी की गिनती उन एक्ट्रेसेस में की जाती है जिन्होंने साउथ की फिल्मों से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और बाद में बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी अदाकारी का रंग बिखेरा। 80 के दशक में बॉलीवुड में माधवी ने अपनी एंट्री की। सिंपल सी दिखने वाली माधवी ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। माधवी ने अपने वक्त पर हर बड़े स्टार के साथ काम किया था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म थुरुपु पद्दारा से की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई। उन्होंने तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया। चिरंजीवी के साथ उनकी पहली फिल्म साल 1982 में इंतलो रमैया विधिलो कृष्णैया थी और तेलुगु में चिरंजीवी के साथ उनकी आखिरी फिल्म बिग बॉस थी। बता दें अभिनेत्री माधवी ने साल 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो 1981 की टॉप ग्रोसिंग फिल्म बनी। इसके बाद उन्होंने साल 1990 में बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। जी हां, माधवी ने अमिताभ के साथ फिल्म गिरफ्तार में काम किया था। इस फिल्म के गाने धूप में निकला ना करो रूप की रानी से एक्ट्रेस को खासा फेम मिला था। इस फिल्म के बाद वो अमिताभ के साथ अंधा कानून, अग्निपथ जैसी फिल्म में नजर आई। माधवी कई मलयालम फिल्मों में भी मुख्य रूप से मोहनलाल और ममूटी अभिनीत फिल्मों में दिखाई दी। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और शायद यही वजह रही कि 80 के दशक में माधवी हर डायरेक्टर की पहली पसंद थी। माधवी मुझे शक्ति दो, मिसाल, लोहा, सत्यमेव जयते, प्यार हार जीत समेत कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बात करें माधवी के निजी जीवन के बारे में तो आपको बता दें माधवी ने 14 फरवरी साल 1996 को राल्फ शर्मा से शादी की थी। माधवी और राल्फ की पहली मुलाकात हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी में हुई। इसके बाद माधवी कम फिल्मों में नजर आई। उनके पति का फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है। उनकी बेटियों के नाम प्रिसिला, टिफनी और एवलिन है। आखिर में बात करें माधवी के आज के हालातों के बारे में तो आपको बता दें माधवी 59 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद माधवी पहले की तरह बेहद खूबसूरत हैं। बढ़ती हुई उम्र की झुर्रियां उनके फेस पे कम ही देखने को मिलती हैं। आपको बता दें माधवी ने शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली। उन्हें साल 1994 में आई फिल्म खुदाई में आखिरी बार देखा गया था। 300 से अधिक फिल्मों में काम करने वाली माधवी अब बॉलीवुड से दूर अपने हस्बैंड और बेटियों के साथ न्यू जर्सी में रहती हैं। तो आपको अभिनेत्री माधवी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।